हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शुचि श्यानर बाहर। आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ फिर से। मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई हूँ अभी तक। एक्चुअली ब्लड टेस्ट की थी तो उसमें निकला है कि मुझे टाइफॉइड हुआ है। तो टाइफॉइड की वजह से कंटिन्यू एटलीस्ट आज 15 दिन होने जा रहा है। फीवर है, फीवर जो है वो ठीक ही नहीं हो रही है। तो इसी वजह से जो है मैं आप लोग के लिए ना ब्लॉग ना रेसिपी कुछ भी नहीं लेके आ पा रही हूँ। बट आज बहुत मुश्किल से थोड़ा सा ठीक लगा, तो इसलिए आज एक इजी एक सिंपल सा रेसिपी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। वो है झींगा और पटैटो मतलब आलू का पोस्तो। ये बंगाली का एक बहुत ही फेमस डिश है, जो बंगालीज मेरे फ्रेंड्स हो आप लोग को पता है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये बहुत ही झटपट और बहुत ही इजी वे में ये बन जाती है। और पोस्तो तो पता ही है हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, स्पेशली गर्मी के टाइम पे ये बॉडी को बहुत ठंड रखती है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से मैं झींगा और आलू का पोस्तो बनाऊँगी। और सारे फ्रेंड्स लोग से जितने जो भी अभी तक मेरे फैमिली में नहीं जुड़े हो, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो देख रहे हो मेरे वीडियोस को, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए बनाते हैं झींगा और आलू का पोस्तो। तो झींगा आलू का जो पोस्तो है उसके लिए मुझे ये झींगा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा करके इसको मैं काटी हूँ, क्योंकि झींगा जो है वो बहुत जल्दी गल भी जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ आलू। आलू को भी मैंने इस तरह से मीडियम स्क्वायर में इस तरह से मैंने इसको काट ली हूँ। और हमें चाहिए ऑनियन, थोड़ा सा ग्रीन चिली, पॉपी शीट जिसको हम पोस्तो बोलते हैं। पोस्तो को मैं मिक्सी में बहुत अच्छे से एकदम पेस्ट कर ली हूँ, ये देखिए। और चाहिए हमें यहाँ पर 5 फोरन, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चीनी और सॉल्ट। तो फिर चलिए झींगा आलू का जो पोस्तो है वो हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल दे दी, जस्ट टू हाफ स्पून, जो टीस्पून होता है 2 टीस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल दी हूँ। ये थोड़ा सा ऑयल जो है वो गर्म हो जाए। ऑयल देख पा रहे हो अच्छे से गर्म हो गई है। अब मैं इसमें 5 फोरन दे दूँगी, थोड़ा सा जस्ट 1.5 टीस्पून। ये 5 फोरन की जो खुशबू है ना, ये पोस्तो में बहुत अच्छे से आती है। अब मैं इसमें ऑनियन और ग्रीन चिली मैं ऐड कर दी। पोस्तो में क्या होता है ना कि जो ऑनियन है वो एकदम फ्राई नहीं होती है, बस हल्का सा इसको हम लाइट ब्राउन कलर के जैसे इसको हम फ्राई करेंगे। देख पा रही हो जस्ट एकदम लाइट एकदम ये ब्राउन कलर की हो गई है। अब मैं सबसे पहले इसमें मैं आलू ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें आलू ऐड कर देती हूँ। आलू मैं इसमें पहले से ही ली हूँ ना, क्योंकि आलू जो है वो पकने में थोड़ा सा टाइम लगती है, बट जो झींगा है वो बहुत जल्दी ही जो है वो पक जाती है। इसलिए सबसे पहले हम आलू को 50% तक इसको हम पका लेंगे, मतलब ये बॉईल हो जाए 50%। उसके बाद ही हम जो झींगा है उसको हम इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड करती हूँ। याद रखिएगा पोस्तो में हल्दी बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं, ये हल्का सा एकदम हल्का येलो कलर का होता है, इसलिए हल्दी जो है वो थोड़ा कम ही डालिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट
salt as per taste. अब मैं इसको कवर कर दूंगी। कवर करके पकाने से क्या होता है ना, आलू जो है वो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ये बॉईल हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको खोल के हम देखते हैं, ढक्कन हटा कर देखिए आलू कितना पका है। आलू जो है पक गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आलू जो है ये टूट जा रही है, आलू पक गई है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, जो झींगा है झींगा को अभी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, इसको फिर से मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ। इससे क्या होगा कि जो झींगा है झींगा से पानी छोड़ने लग जाएगा और ये अच्छे से बॉईल भी हो जाएगी। तो चलिए मैं इसका ढक्कन हटा के देखती हूँ, आप देख पा रहे हो कि झींगा जो है वो कितना अच्छे से बॉईल हो गई है। अब मैं इसे पोस्ट को ऐड कर देती हूँ। पोस्तो ऐड करने के बाद इसको ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए क्योंकि फिर पोस्तो का जो एक टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। मैं बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से थोड़ा सा इसको चला लूँगी। उसके बाद इसको मैं इसमें थोड़ा सा मैं शुगर ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा जस्ट एकदम पिंच ऑफ बोल सकती हूँ शुगर इसमें दे करके अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। हमारा झींगा आलू का पोस्तो जो है वो एकदम रेडी हो गई है। चलिए अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने जो है पोस्तो को मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया है। तो आपको अगर मेरी ये पोस्तो की रेसिपी, झींगे आलू पोस्तो की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।